धारा डाली और समुच नहीं उधर गई, उस समय उच्च जल धारा ढालने पर द्रुतम आर्द्रता जो शिवप्रिया जो है वे सब सखी गणों से आर्द्रता होकर के विराजमान है। जितने भी मंजरी गण हैं वे चारों घेर करके श्री किशोर जी के विराजमान हैं। और सुभद्रा श्री किशोर जी की रूप माधुरी का प्रातःकालीन रूप माधुरी का क्या ठिकाना, अभी जाकर के उठी है सखियों के साथ में सुंदर चर्चा हो चुकी है, नंद भवन की कथा को श्रवण कर चुकी है सुभद्रा। और कृष्ण दर्शन करने की उत्कंठा में जल्दी से तैयार होने के लिए कि प्यारे के मुख दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, नंद भवन में जाकर के मैं दर्शन करूं, ये मन में विचार करके सुवदना सदनाग्रत आवह श्री स्वामी ने अपने भवन से निकल करके शैया भवन से निकल करके बरामदे में आई हैं। और बरामदे में आकर के वे अग्रत भवन के आगे आकर के आवह शोभा को प्राप्त हुई है। अब श्री प्रिया ने क्या किया, कर तला असकृत चुनकी कृतम सदनम, पहले हाथ में असकृत माने अनेक बार इन्होंने जल लिया और जल लेकर के चुलकी कर उसको मुख में लेकर के और कुल्ला करती हुई विराजमान हो रही है। श्री किशोर जी की कितनी बारीकी के साथ में ये लीला माधुरी का और स्वरूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। एक एक हल्की से हल्की जो क्रिया है जो चेष्टाएं हैं उनका जैसे सामने बड़ी आग्रहपूर्वक अभिनिवेश पूर्वक उनका वर्णन करते हुए विराजमान है। तो करतला असकृत चुनकी कृत अनेक अनेक बार चुनकी कृत चुनू में जल लेकर के पुल्ला कर रही है और मुख में लेकर के और उसको चुनकी कृत अनेक अनेक बार हाथ में जल दे रही है। सलिलम ऐसे सलिल को लेकर के आरग तालु अनुचालितम मुख में लिया और मुख में लेकर के रथ माने दंतावली से लेकर के और तालु तक उस मुख को उस जल को मुख में लेकर के कुड़कुड़ करती हुई विराजमान है। जय जय क्या सुंदर शोभा। तो रथ माने दंतावली, दंतावली से लेकर के और तालु तक चालितम वो जल जो है उसको मुख में ही कुलकुल करती हुई विराजमान हो रही है, चला रही है। स्वामी जी वो अपने जल को लेकर के और कुलकुल कर रही है। फिर चल कपोल योगो नति मंजुलम, उस समय प्रिया की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। चल कपोल जिस समय मुख में जल लेकर के और वे वायु के संपर्क के साथ उस जल को मुख के भीतर चलाती हैं, उस समय कपोल उछलते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जय जी चल कपोल, उस समय कपोल जो है प्रिया के वे चंचल हो रहे हैं। चल कपोल योगोन्नति मंजुलम, और उन कपोलों में बार बार जैसे ही जल कपोलों में भरता है ऐसे ही गलौआ फूल करके सामने आते हैं और कुड़कुड़ करती हुई वो मुख की जो शोभा है जिसमें भीतर जल भरा हुआ है उस समय कपोल की जो शोभा है वो अद्भुत है। और ध्वनि कृतम, और वे भीतर जो जल है वो जल कुड़कुड़ की ध्वनि भी कर रहा है, ऐसे ध्वनि कृतम ध्वनि करते हुए उस जल को निवृतम क्षमति स्मसा ऐसे मुख में बार बार घुमा करके फिर निवृतम माने एक तरफ वे निक्षपति क्षपति स्मसा एक तरफ निवृत्त माने कहीं फिर जल के छींटे अपने ऊपर ही नहीं आए, ये विचार करते हुए निवृत्त माने एक तरफ उनको कुल्ला करती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही है। तो करतला असकृत चुन की कृतम हाथ में लिया, कभी तो एक बार में लेकर के बार बार एक ही जो चुल्लू में लिया एक ही चुल्लू को एक दो बार, कभी बार बार चुल्लू में जल लेकर के चुल्की करके मुख में घुमा करके दंतावली से लेकर के तालु तक घुमा करके उनको कहीं समर्पित करती हुई विराजमान हो रही है। इसमें कहीं स्वाभाविक जो क्रिया है
उनका परम सुंदर यहां पर वर्णन किया गया है। यहां पर जो स्वाभाविक अलंकार है वो स्वाभाविक अलंकार का निरूपण किया, जो चेष्टा है उनका सहज रूप में वर्णन करना, यथा तथ्य रूप में वर्णन करना, यह भी एक अलंकार है और उस अलंकार का नाम है सहज अलंकार। तो सहज चेष्टाओं का गायन करते हुए सहज चेष्टाओं का वर्णन यहां पर किया गया। प्रहरी में सबसे पहले इस तरह से पुल्ला किया। अब पुल्ला करने के बाद में श्री स्वामी क्या कर रही है, दासीगण ये मंजरीगण वहां पर शिवप्रिया को अब पुल्ला करके प्रिया को विराजमान किया। तो ब्रिस्मरा अलग अलग कीर्ति सदस्य पर सभ्य कारण घट नहीं। अब शिवप्रिया ने जब पुल्ला किया तो पुल्ला करने में मुख को झुकाना पड़ेगा, जब आचमन करेंगे उस समय तो श्री मुख को ऊंचा करके आचमन करेंगे पीने के लिए, तो परंतु जब पुल्ला किया जाएगा तो मुख को झुका करके ही पुल्ला किया जाएगा। जब झुका करके पुल्ला कर रही हैं तो अलकावली बिथुर करके कहीं मुख के ऊपर भी आएंगे आएंगे। तो ब्रजमना अलकान जो बिखरी हुई अलक है उन बिखरी हुई अलकों को कीर्ति सरस्य बनी। उस समय शिवप्रिया अपनी कन्नी उंगली के द्वारा जो अलकावली सामने आ गई कुल्ला करने में नीचे आ गई हैं, उन अलकावली को कान के ऊपर चढ़ाती हुई विराजमान हो रही है। कन्नी उंगली के द्वारा उनको सिर के ऊपर चढ़ाती हुई शिवप्रिया विराजमान हो रही है। स्वभावोक्ति नाम करके जो अलंकार है वो यहाँ पर वर्णन हो रहा है, जहां पर किसी चेष्टा की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन हो, स्वाभाविक रूप में एक चित्र एक पेन स्केच जैसे सामने खींच लिया जाए, एक चित्रकार जैसे तूलिका से चित्र बनाता है, इसी प्रकार जहां शब्दों के माध्यम से पूरा का पूरा चित्र उपस्थित कर दिया जाए उसका नाम है स्वभावोक्ति अलंकार। वो स्वभावोक्ति अलंकार का यहां पर वर्णन किया जा रहा है, वो उसका प्रयोग है। तो शिवप्रिया वो अलकावली नीचे आई, अब उनको कैसी सुंदर प्रकार से कान के ऊपर चढ़ाएंगी, अपने श्रीमस्तक के ऊपर चढ़ाएंगी। तो विस्मर बिखरे हुए जो अलकान उनको कीर्ति सरस्य परी अपने सिर के ऊपर चढ़ाती हुई विराजमान हो रही हैं। सब भी करांगुले घट नहीं, बाएं हाथ की जो उंगली है उन उंगलियों के द्वारा अलकावली को ऊंची चढ़ाती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही है। सभी करांगुली घट नहीं, सभी करांगुली उनकी घटन माने गति चाल, अपनी उंगलियों को चलाते हुए उन केशों को ऊंची करती हुई विराजमान हो रही है। और अलक गात दृगाद्यथ सामित, अब अलग गात्र दृगादि और अलका शिवप्रिया ने फिर जो गीले हाथ हैं उन गीले हाथों से अपने केशों के ऊपर भी वो गीले हाथ उनको पहुंचे, तो जो बिखरे हुए बाल हैं वो केशों के ऊपर गीले हाथ पहुंचने के कारण वे अलकावली कहीं जम गए जम जाए, जो बार बार बिखर करके नहीं आए तो अलकावली को ऊंची चढ़ा करके फिर माथे के ऊपर हाथ फिर रहा, फिर दृग फिर गीले हाथ जो हैं उनसे ही आंखें पहुंची, दोनों नेत्र जो है उन दोनों नेत्रों को भी कितनी स्वाभाविक बिल्कुल एकदम लीला है, स्वाभाविक चेष्टा है। कुल्ला किए, कुल्ला करने के बाद में अलकावली को ऊंचा चढ़ाया, गीले हाथ जो है उनसे केशों को दबाया, केशों के ऊपर हाथ फेरे, फिर गीले हाथ जो है उन गीले ही भीगे हुए हाथों को आंखों के ऊपर भी फेरा है। तो अलक गात्र दृगाद्यथ और फिर गीले हाथ जो है उनसे साथ मुख के ऊपर भी जो हाथ धोए हैं उनके द्वारा मुख जो है उनको भी पहुंचती हुई शिवप्रिया विराजमान हो रहे हैं। तो अपने अलग माने बाल, गात्र माने मुखारविंद, दृग माने नेत्र, इनको भी सा अमित द्वितमितम, अब जो मुख कैसा है वो मुख कैसा है बोले अमित द्युतमितम अपूर्व शोभा से युक्त जो मुख है उनको श्री प्रिया
त्रितम त्रिरधीत बा और उसको जो द्वितीय मतम जो शोभा से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे उस मुख को शिवप्रिया आय पहुंचती हुई त्रिमितम मानी उनको निर्मंचित करती हुई उनको पहुंचती हुई त्रिअधी दीर्घ तीन बार शिवप्रिया ने उस समय अपने मुख के ऊपर हाथ दिया त्रिअधी तीन बार क्या सुंदर मन ये लीला ये स्वाभाविक बड़ी बड़ी स्वाभाविक चेष्टा है कि तीन बार आंखों के ऊपर हाथ फेरा मुख के ऊपर हाथ फेरा अलकावली जो है वो अलकावली के ऊपर जो बिखर रही है पहले उनको ऊंचा चढ़ाया फिर उनके ऊपर हाथ फेरती हुई विराजमान हो रही है गीले हाथ से उन केशों को जमाती हुई शिवप्रिया विराजमान हो रही है। तो त्रिअधीधवत उस समय तीन बार अधीधवत तीन बार इन्होंने धावन किया मुख का नेत्रों का ये तीन बार धावन करती हुई धोती हुई विराजमान होती है। जब स्नान होता है स्नान भी तीन बार होता है लावण्यामृत माधुर्यामृत सौंदर्यामृत तीन बार स्नान होता है। पहले बार शरीर को भिगोया जाता है फिर दूसरी बार कहीं साबुन लगा करके अंगराग लगा करके उसको कहीं रगड़ा जाता है फिर तीसरी बार धोया जाता है। तो ये तीन स्नान सर्वदा स्नान जो है वो तीन ही स्नान होते हैं ये तीन स्नान ऐसे यहाँ पर मुख धावन जो है वो भी तीन बार करते हुए विराजमान है। द्वितमितम त्रिमितम त्रिअधीति अनुप्रासन का तो कहना ही क्या ये तो अपुरुषवा अपने आप ही जैसे भाषा सेवा करने के लिए अपने आप दौड़ती है शब्द अपने आप शब्द पदावली अपने आप दौड़ती हुई विराजमान होती है। तो अधिक दात्र दीर्घाद्यथ साम्यत द्युतिमितम अलकावली को मुख को नेत्रों को सामान्य उन राधिका ने जो कैसे हैं अमित द्युतिमितम अमित शोभा से युक्त हैं उनको त्रिमितम जो अपूर्व शोभा से उनको पहुंचते हुए त्रिअधीधवत तीन बार मुख को धोते हुए श्री स्वामी विराजमान हुए हैं। अब श्री स्वामी उनको किसी दासी ने मंजरी ने श्री राधारानी को उस समय सुंदर कल्प वृक्ष की एक डाली तोड़ करके उसे कहीं थोड़ा सा उसका जो शीर्ष भाग है उसको कूट करके ब्रश बना करके वो कल्प वृक्ष की एक दातुन वो शिवप्रिया को प्रदान की है। तो बेटा पे काम द्युतरो तत्रोचिषम उस समय बेटे काम एक दंडी द्युतरो तत्रोचिषम जो कि कल्प वृक्ष की एक बिटप का एक डाली एक छोटी सी माने एक रस्सी की जो दातुन है उस दातुन को द्युतर हो द्युतर कहते हैं कल्प वृक्ष उस कल्प वृक्ष की एक दातुन को जो तत्र रोचितम उस समय सुशोभित हो रही है रोचितम माने कांति से युक्त होकर के जो चमकीली बढ़िया सुंदर दातुन है कोमल दातुन विस्तीर्ण कांति वाली तत्रोचितम मतलब विस्तीर्ण कांति वाली जो कल्प वृक्ष की दातुन है हृदय हिताम निहिताम सभयस्या और जो हृदय हिताम दातों के लिए बड़ी हितकर होकर के विराजमान है हृदय हिताम दातों के लिए बड़ी प्रिय है निहिताम स्वभयस्या उसको स्वभैसया किसी सखी ने उस समय श्री किशोरी जी को प्रदान किया स्वभैसया सखी ने प्रदान किया है और मुकुलताम भुजताम भजताम जसा उस समय श्री राधिका आप मुकुलताम भुजताम अपने मुख को एक कमल की कली के रूप में परिवर्तित करती हुई माने कमल का आकार मुख का बनाते हुए कुछ
अधर जो है वो अधर कमल की खिले हुए कमल के समान नहीं, अधर जो है उनको कहीं मुकुल कमल कमल की कली के आकार को बनाते हुए मुकुल ताम अंगुज ताम भज ताम जैसा जिनका श्रीमुख उस समय कमल के आकार का हो रहा है, अर्थात मुख में थोड़ा सा स्थान करके एकदम मुंह फाड़ करके नहीं बल्कि मुख को बना करके फिर दातुन से वो दंतावली करेंगी, ऐसे मुख एक कमल के आकार कमल की कली के आकार का बन करके उस समय विराजमान है। मृदु तरेण करेण सुदृढ़ दधे उस समय उस दातुन को श्री प्रिया ने मृदुल तर श्री हस्त से अपने मुख के भीतर उस समय धारण किया, माने उस दातुन को लेकर के मुख में श्री प्रिया लेकर के कुछ चबाती हुई उसके प्रारंभ के जो रेशे हैं यद्यपि उसको दासी ने कूट करके उसको सुंदर एक कोमल बना दिया है, उसके भाग को कोमल बना दिया है, फिर भी थोड़ी सी चबाती हुई मृदुल तरेण करेण सुंदर। अब श्री किशोर जी की उस समय नयनों की जो शोभा है जिस समय वो दातुन को थोड़ा सा दबा रही होंगी और पीस करके कोमल कर रही होंगी उस समय नेत्र की कैसी सुंदर शोभा है, वो वहां पर अटक गया है श्री कविराज गोस्वामी का सखी जितनी भी सखी रहे हैं उनका चित्त उनकी आंखें श्री प्रिया जी के दांत को चबाते समय जो आंखें थोड़ी चौड़ रही है वो चौड़ी हुई नेत्रावली की जो शोभा है कमल की जो शोभा है वो अद्भुत होकर के विराजमान उसको वो सुंदर उस समय श्री परम सुंदर मुख वाली वे श्री राधिका उन्होंने मृदुल तरेण दधे उस बिटपिका को उस दातुन को अपने मुख में धारण किया, मुख में धारण करके विराजमान हुई। ये संश्लिष्ट वर्णन और स्वभावोक्ति अपूर्व रूप से विराजमान वर्ण साम्य अनुप्रासन वर्ण की जहां समानता हो उसका नाम है अनुप्रास अलंकार, वो अनुप्रास अलंकार सरलता सरसता तो अपने आप अनुप्रास तो अपने आप शब्दों की जो छटा है वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है, जैसे मुकुलताम भुजताम भजताम ताम 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 ये जो है इसको ये अनुप्रास कहते हैं, वर्ण की जो समानता है उसका नाम अनुप्रास और वो अपूर्व रूप से यहाँ मंजरियों की जो वचन है उनमें अपने आप प्रकट होती हुई विराजमान हो रही है। तो बिटपिकां द्वितीयोस्तत रोचिशं रदहितां निहितां सवयस्या मुकुलतां भुजतां भजतां सना मृदुतरेण करेण सुदृढ़ दधे। आज वे परम सुंदरी श्री राधिका उस मृदुतर उस दातुन को अपने मुख के भीतर धारण करती हुई विराजमान हो रही है। छंद स्नान करने के उपयुक्त जो छंद है धीरे धीरे स्नान करना है इसलिए छंद भी दुत विलंबित वो छंद यहां पर शिशु सरोधित दोलन मस्वन वलय मुच्चल कुंडल में तया व्यधित सा मृदिति रतनां छबिन कण वुच्छलताम ललिताम श्रुतम। अब शिवप्रिया ने कृत सरोहित दोलन मस्वन हाथ में जो पहुंची पहन रखी है उन पहुंचियों से तो स्वर नहीं हो रहा है, कड़ा होते चूड़ियां होती तो स्वर होता पर पहुंची तो हाथ में चिपकी हुई होती है तो प्रतिसर प्रतिसर कहते हैं जैसे हाथ में कोई कलाए बांधे ये धागा बांधे इसको प्रतिसर ही कहते हैं, तो प्रसन्न माने जो पहुंची है वो पहुंची के कारण स्वर नहीं हो रहा है। तो प्रसरोदित दोलन अश्वन अश्वन जो पहुंची है वो हिल तो रही है पर पहुंची अश्वन स्वन नहीं कर रही है आवाज नहीं कर रही है। वलय मुच्चल परंतु वलय जो चूड़ियां हैं वो चूड़ियां कहीं खनक करती हुई विराजमान है, चूड़ियों की खनक हो रही है परंतु जो परिसर या पहुंचे धारण कर रखी है
उनकी खनक नहीं है, उनकी आवाज नहीं हो रही है। तो प्रसवोदित दोलन मस्वनहा, पहुंची के हिलने में भी स्वर नहीं हो रहा है, परंतु बलयम उच्चल, बलय जो है वे विशेष रूप से हाथ की चूड़ी वे विशेष रूप से कांप रही है। अशिप्रिया जिसे मैं दातुन लेकर के और दातुन कर रही होंगी, कर रही है दंतावली, उनका मार्जन करते हुए विराजमान, उसमें कुंडल उनके हाथ के बगैर हिल रहे हैं। व्यथित सा और उच्चल कुंडल बेतया, और दातुन करने में भी कान के जो कुंडल में हल रहे हो मुख तो हलेगा, कुंडल तो हलेंगे, बलय में भले स्वर नहीं हो रहा है पर जो कुंडल है वो कुंडल अपूर्व रूप से हलते हुए विराजमान है। व्यथित सा मृजति रदनामन छविन, आज सा मृजति रदनान, जब दंतावली का रदन कर रही है, रदन माने दंतावली, उन दंतावली को जब मृजति, जब वे स्वच्छ करती हुई विराजमान है, उस समय छवि व्यथित, उस समय श्री किशोरी जी की दंतावली की कोई अपूर्व शोभा सामने हो रही है। ये दंत धामन की लीला का यहाँ वर्णन करें गए। तो व्यथित सा मृजति रदनान छवि, रदनान छवि, रदना मैं दंतावली की जो छवि है वो छवि आज व्यथित हो अपूर्व रूप से बढ़ती हुई विराजमान हो रही है, अपूर्व छवि हो रही है। सा विश्वराज विश्वानंदिनी उनकी अपूर्व शोभा और दंतावली की अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है। कर्णवत छलताम ललताम श्रुताम, और उस समय कर्णवत उच्छलताम जो दातुन कर रही है, दातुन करने में कर्णवत उच्छलताम, उस समय कर्ण भी कहीं बाहर निकल रहे हैं, माने दातुन करते समय मुख से छींटा भी अधरामृत के कहीं बाहर निकल रहे हैं, थूक के जो छींटे हैं, अधरामृत के जो छींटे हैं, वे भी कहीं बाहर निकलते हुए विराजमान हैं। तो कर्णवत उच्छलताम, तो दंतावली आज पता नहीं लग रही है कि दंतावली की शोभा है कि कहीं जो अधरामृत जो अधरों में अब जो थूक है, जो अधरामृत है, उस अधरामृत के कण की शोभा है, ये पता नहीं लगता है। तो दंतावली की शोभा भी आज अधरामृत की बिंदुओं के समान ही दंतावली की शोभा प्रकट हो रही है। तो कणवत उच्छलताम, मानो छींटे की तरह से दंतावली भी बाहर अपनी शोभा को प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है। दोबारा दर्शन करें कि प्रत सर्वोदित दोलन मस्वना, जिस समय दातुन लेकर के दांतों के ऊपर वो दातुन को रगड़ती है, उस समय जो प्रतिसर हाथ की पहुंची वे तो अश्वन, वे तो स्वर नहीं कर रही है, परंतु बलयम उच्चल जो हाथ की चूड़ी है, वे चूड़ियां विशेष रूप से उच्चल खनकती है। और कुंडल बेतया, और कहीं क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होते हुए कान के कुंडल भी हिल रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य नियम है कि जहां बल लगाया जा रहा है वहां पर प्रतिबल जरूर होना चाहिए। तो जब दांतों को घिसा जा रहा है तो मुख से प्रतिबल लगाया जाएगा, रुकावट की जाएगी, तो मुख से रोकने पर और जब दांतों को बाला घुमाया जाएगा तो कहीं कुंडल भी हिलेंगे ही हिलेंगे। तो उस समय शिवप्रिया ने जो ताटक धारण कर रखे हैं वे अपूर्व रूप से हिल रहे हैं। और व्यथित सा मृति रदनम छविन, और उस समय रदनाम छविन दंतावली की जो अपूर्व छवि है, उन छवि को सा मृजति व्यथित, आज दंत धावन करते हुए शिवप्रिया ने व्यथित उल्टा और अधिक बढ़ाया है, उस सब छवि को इन्होंने अपूर्व रूप से प्रस्तुत किया है। कर्णवध उच्छलताम, वो दंतावली की छवि आज ऐसी लग रही है जैसे अधरामृत के छींटे ही कहीं बाहर प्रकट हो रहे हो, अधरामृत के छींटे की तरह से दंतावली भी कभी छटकती हुई विराजमान है। ललताम श्रुताम, ऐसी ललताम छतिन, लल जो छटी शोभा है उनको धारण करने वाली जो दंत हैं, उन दंतों की छवि को इन्होंने प्रकट किया है।
ललताम छबिन, ललता ललित जो छवि है उसको श्रुतान जिन दांतों ने धारण कर रखा है ऐसी दांतों की शोभा हो रही है। अत दधे सुदति धनुराकृति, अब दातुन हो गई, दातुन पूरी होने के बाद में फिर क्या किया, बोले दातुनी जो है उसको मोड़ करके जीव ही बदल के उसको मोड़ करके जैसे जीव ही बनाई गई। अथ दधे सुदती भी सुंदर दंतावली, अब यहां पर इस समय जो जितनी भी शोभा है वो दांतों की है और सारी शोभा फीकी है इस समय। इस समय प्रधानता जो है दांत दंत धारण करते समय जितना भी ध्यान है, जितना भी ध्यान केंद्रित हो रहा है वो केंद्रित हो रहा है केवल दंतावली। तो श्री प्रिया जी के लिए जो संबोधन कर रहे हैं, जो विशेषण दे रहे हैं वो भी सुदति सुदति, ये विशेषण बड़ा सार्थक विशेषण है क्योंकि दंत धावन के समय सबसे ज्यादा शोभा सामने प्रकट हो रही है वो दांतों। जब केश मार्जन होगा उस समय सबसे ज्यादा शोभा प्रकट होगी केशों की, तब इस समय दांतों की महिमा है। तो श्री अंग में दंतावली रूपी जो सखी है उसकी महिमा, ये इसकी दंतावली रूपी जो शोभा है उसकी महिमा का निरूपण कर रहे हैं। अत दधे सुदति, उस समय उन सुंदर दंतावली वाली श्री किशोरी ने धनुराकृति ही उस दातुन को ही धनुष के आकार में मोड़ा है। तो धनुराकृति मणिमयी रसना परिणयजनी, आज मणिमयी जो रसना है कोई दूसरी भी धनुष की आकृति की अलग से जीव भी है, जरूरी नहीं कि मन वो दातुनी हो, वो यहां पर तो मन मणिमयी कोई हीरा की बनी हुई मणि की बनी हुई कोई सुंदर धनुष आकार जीव भी उस समय लाकर के किसी दासी ने इनको प्रदान की है, जो मंजरी है मंजरी ने प्रदान की। और उस समय रसना परिणयजनी जीव को साफ करने वाली जो जीव ही है उसको रसना परिणयजनी मैंने जीव ही उसको प्रदान किया है। मृदुर पाणि युवांगले युग्म काम, उस समय श्री किशोरी ने मृदुर श्री हस्त से उस जीव ही के दोनों छोरों को पकड़ा है। युवांगले युग्म काम, दोनों उंगलियों से उसके दोनों छोरों को पकड़ करके श्री प्रिया विराजमान कर विराजमान हुई है। सहचरी करतोदर तोषतः, और उस समय अपूर्व संतोष जो है उनको धारण करती हुई सहचरी करता श्री पास में जो सखी थी, सखी के हाथ से वो सहचरी के हाथ से आपने उस जीवी को लिया और हृदय में अदर तोषता, अदर माने अत्यंत, दर कहते हैं स्वल्प, अदर माने अत्यंत अतिशय संतोष धारण करते हुए उस जीवी को सखी के हाथ से श्री प्रिया जी ने ग्रहण किया है। इस ग्रहण करके तो अस दधे सुदति धनुराकृति श्री राधिका ने ग्रहण किया धनुराकृति धनुष के आकार वाली मणिमयी रसना परिणयजनी, मणिमयी जो जीवी है उसको ग्रहण किया। मृदुर पाण योगार गुण युग्म काम, अपने कोमल कोमल हस्त से दोनों जो अंगुली है उन अंगुलियों से उसको पकड़ करके सहचरी करता है सखी के हाथ से जीवी ग्रहण के अदर तोषता परम संतोष के साथ में, दर संतोष नहीं है अदर संतोष है अतिशय संतोष उनको धारण करते हुए वो जीवी को ग्रहण किया। नव दलो पमिपम रसनाम मृजत मृजत मृजत, श्री प्रिया नए दल के समान जैसे कोई नया लाल पत्ता हो ऐसे किसी पल्लव के समान अपनी जीव को थोड़ी सी बाहर निकाल करके और उस
जीभी से अपनी जिह्वा को स्वच्छ करती हुई विराजमान हो रही है। नव दलोपमितम, जैसे कोई नव पल्लव प्रकट हुआ हो, ऐसी जिनकी जिह्वा है, ऐसी जिह्वा को मृजति अततया नत कंपित मस्तकम, श्री मुख को थोड़ा झुका लिया है और थोड़े से हिलाते हुए कंपित मस्तकम बिल्कुल सामने देख रहे हैं उस लीला का, और जैसा बिल्कुल सामने यथार्थ माने मुख को झुका करके और कंपित मस्तकम कुछ ग्रीवा उसको हिलाते हुए मस्तक को हिलाते हिलाते उस समय रसना मृजति श्री किशोरी जी अपनी जिह्वा उसका मार्जन कर रही हैं, जीवी से जीव जिह्वा जो है उसको स्वच्छ कर रही हैं। मुख नियम स्खलतई अलकई वृतम, और जब